स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर ट्वेंटी थ्री अजिट टू गोवा अ विजिट टू गोवा चिल्ड्रन गोवा इज सिचुएटेड ऑन साउथ वेस्ट एरिया ऑफ अ ऑफ इंडिया बच्चों गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का और यह इंडिया के साउथ साउथ पार्ट में स्थित है गोवा जो है टूरिज्म के लिए काफी प्रसिद्ध है यहाँ इंडिया से ही नहीं बल्कि अब्रॉड से भी इंजॉय करने के लिए लोग आते हैं गोवा के जो लोग हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग और टूरिज्म है क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग गोवा के देखने आते हैं क्योंकि यहाँ के जो बीचेज़ हैं वो बहुत ही सुंदर है। नाव अब इस लेसन में एक लड़का है वह जो है गोवा की सैर करने जाता है तो उसके जब और जब वो वहाँ से आता है तो उसके क्लासमेट्स और उसके टीचर्स उसके उसके विजिट के बारे में उससे पूछते हैं कि उसे गोवा कैसे लगा और उसने वहाँ क्या क्या देखा ना महेश उससे पूछता है चल मोर अबाउट गोवा वॉट ऑल डिड यू सी देयर सो वो रिप्लाई करता है गोवा इज अस्टेट डिवाइडेड इंटू नॉर्दर्न एंड सदर्न गोवा गोवा इज अस्टेट डिवाइडेड इंटू नॉर्दर्न एंड सदर्न गोवा गोवा इस्टेट को टू पार्ट में डिवाइड किए गए हैं नॉर्दन गोवा एंड सदर्न गोवा the two languages spoken here are मराठी and कोकनी यहाँ दो प्रमुख लैंग्वेजेज बोली जाती हैं मराठी एंड कोकनी यहाँ के लोग गोवा के लोगों की मुख्य जो लैंग्वेज हैं मेन लैंग्वेज वो मराठी एंड कोकनी है मरम गाँव मड गाँव वॉस्को डी गामा आर समेमस सिटीज सो मरम गाँव एंड मड गाँव आर द टू इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ गोवा आफ्टर एवरी फ्यू मील्स यू विल फाइंड अ विलेज इन गोवा गोवा में कुछ कुछ दूरी पर आपको छोटे छोटे गाँव दिखाई देंगे हाउसेस इन गोवा आर बिल्ट बिल्ट ऑफ वुड बैम्बू एंड कोकोनट लीव्स यहाँ गोवा में के जो हाउसेस हैं वह हाँ, वुड लकड़ी बैम्बू बांस और कोकोनट लीव्स से बनाए जाते हैं सो स्टूडेंट्स गोवा को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है नर्दर्न नॉर्दर्न गोवा एंड सदर्न गोवा यहाँ मेन जो दो लैंग्वेजेस हैं मराठी एंड कोकनी बोली जाती है मम गाँव एंड मड गाँव यहाँ के टू इम्पोर्टेंट सिटीज हैं इसके अलावा वास्को पकामा भी काफी फेमस सिटी है यहाँ के जो घर हैं वह बैम्बू वुड एंड कोकोनट लीव्स द्वारा बनाए जाते हैं फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा जो लोग वहाँ के लोग जो हैं गोवा के उनका जो मेन ऑक्युपेशन है वो फिशिंग है मेन ऑक्युपेशन फिशिंग है एट पीपल डू ग्रो पैडी ब्लैक पेपर स्पाइसिस कोकोनट मैंगोज एंड कार्डामोम्स इसके अलावा फिशिंग के अलावा यहाँ के लोग जो हैं पेडी ब्लैक पेपर स्पाइसेस कोकोनट मैंगोज एंड कार्डमम भी ग्रो करते हैं कोकोनट इज फाउंड इन अबेंडेंस कोकोनट इज फाउंड इन अबेंडेंस यहाँ कोकोनट जो है बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है इट्स फाइबर्स इज़ यूज For making rope, basket मैटर्स ये जो कोकोनट ट्री होते हैं उसमें से जो निकलने वाले फाइबर होते हैं उससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे रोप बास्केट्स मैटर्स मैट्रसेस एक्सेट्रा सॉरी एंड एंड ब्रूम्स उनसे झाड़ू भी बनाया जाता है विमेन

वह नदी के किनारे मछलियों को इकट्ठा करते हुए शिशोर शिशोर मीन्स नदी का किनारा सॉरी तो समुद्र का किनारा तो समुद्र के किनारे यहाँ की जो औरतें हैं वो मछलियाँ मारती हुए दिखती हैं और कुछ फिशरमैन क्या कहते हैं इस मछली को जो है ड्राई करते हैं सुखाते हैं और फिर उसमें से फिश उसके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि उसका यूज़ मेट्रेशनल पर्पस में किया जा सके अब एक बच्चा पूछता है इट इज़ वेरी हॉट देयर क्या वहाँ बहुत गर्मी है सो so, सलीम बताता है नो गोवा इज वेरी प्लेजेंट गोवा इज वेरी प्लेजेंट पी एल ई ए एस ए एन टी प्लेजेंट मीन गोवा का जो मौसम है बहुत सुहाना है इट इज़ नाइटेड टू हॉट नॉट कोल्ड यह ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो बहुत ठंडा इट इज नाइटेड टू हॉट नॉट कोल्ड डेज आर शल्टरी बट नाइट्स आर कूल डेज आर शल्टरी बट द नाइट्स आर कूल इट गेट्स हेवी रेनफॉल यहाँ दिन जो है वो शेल्टरी मीन थोड़ा सा वहाँ की जो हवा है उसमें नमी होती है और नम नम्स uh, नम नमक नमक लगता है और नाइट जो है वो कूल होती है और यहाँ काफी अधिक मात्रा में रेनफॉल होता है हा? चल समथिंग स्पेशल अबाउट दिस प्लेस नीलू और सलीम को और, और पूछती है कि गोवा के बारे में हमें और कुछ बताइए सो so, सलीम बोलता है इट ग्रोज ओनली इन सॉल्टी वाटर दे आर कॉल्ड मैनग्रोव गोवा के कुछ दलदली भूमि में मैन्रोव ग्रो करते हैं ये ऐसे प्लांट हैं जो सॉल्टी वाटर में ही ग्रो करते हैं इन प्लांट्स की खास बात ये होती है इट हैज़ पॉइंटेड रूट्स विथ टाइनिंग फोर्सेस विच राइज अबउ द मार्शल लैंड एक्चुअली ये जो सॉल्टी जो वाटर वाला जो लैंड होता है वहाँ उनकी जो रूट्स होती हैं उनको ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन कम मिलता है सो so, इसलिए क्या होता है ये जो रूट्स हैं, इनकी जो रूट्स हैं इन प्लांट्स की ये मैनग्रोव्स की जो रूट्स हैं वह बाहर निकल आती ताकि उन्हें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके द फ्रूट्स ऑफ मैनग्रोव्स जर्मिनेटेड वैन दे आर स्टिल ऑन द ट्रीज द रूट्स कम आउट ऑफ द जर्मिनेटेड फ्रूट एंड फॉल ऑन टू द मार्शी लैंड वेयर दे आर स्टार्ट ग्रोइंग इन टू अगर ट्री इनकी जो फ्रूट्स मैंग्रोव के जो फ्रूट्स होते हैं वो शाखाओं पर लगते हैं और उसी शाख उसी फ्रूट से रूट जनरेट होता है और फिर वो वापस एक ट्री का निर्माण कर लेते हैं लुक चिल्ड्रन ये मैनग्रोव के प्लांट है इनके जो रूट्स हैं ये पॉइंटेड रूट होती हैं और यह बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकल जाती हैं अब गोवा में जो है फेमस बीचेस भी कहते है, हैं जिन जहाँ लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं सो so, बीच क्या होता है द पार्ट ऑफ द सी कोस्ट विच डेव स्लोप एंड वेव वेव इज कॉल्ड अ बीच द पार्ट ऑफ द सी कोस्ट विच डलोप एंड डज नॉट एक्सपीरियंस हाईवे बीच सी कोस्ट का वह एरिया जहा जो एकदम स्लोप नहीं होता है और जहां बहुत ऊंची ऊंची लहरें नहीं चलती वो जो है बीच कहलाता है जनरली बीच के जो एरिया होता है वो पूरी तरह सैंडी होता है बीचेस आर ऑलवेज कवर्ड विथ पीपल पीपल स्विम इन द सी एंड she सॉरी पीपल स्विम इन द सी एंड प्ले ऑन इट्स सैंडी बीचेस यहाँ जो है लोग बीच पे नहाने और समुद्र में नहाने और बीच में इंजॉय करने आते हैं कालीम घाट इज़ अ फेमस बीच ऑफ गोवा कालिंग घाट इज अ फेमस बीच ऑफ गोवा एंड इज विजिटेड बाई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर कालिंग घाट में बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं गोवा में बहुत सारे फेमस चर्च हैं ओके सो देर आर मैनी बिग च चर्चेस इन गोवा क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड हियर विद ग्रेट एंथोजम एंथोसियाजम जो यहाँ जो है बहुत सारे बड़े बड़े चर्च हैं और पीपल जो हैं यहाँ के लोग जो हैं क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं बहुत एंथोसियाजम मीन्स बहुत धार्मिक तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं सो ओके स्टूडेंट ये था लेसन अ विजिट टू गोवा इसमें आपको ये बताया गया है कि गोवा जो है उसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है नॉर्दर्न गोवा एंड सदर्न गोवा यहाँ जो है टू लैंग्वेजेस बोली जाती है मराठी एंड कोकनी यहाँ के जो फेमस यहाँ का जो फेमस बीच है वो कालिंग बीच है और यहाँ के लोग फिश यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो फिशिंग है इसके अलावा फिशिंग के अलावा लोग पैडी ब्लैक पेपर स्पाइसेस कोकोनट मैंगोस और कार्डमम भी ग्रो करते हैं पर कोकोनट यहाँ एबेंडेंस में पाया जाता है यहाँ के जो घर हैं वह वुड बैम्बू एंड कोकोनट लीव्स द्वारा बने जाते हैं कोकोनट लिव्स कोकोनट uh, जो ट्री होते हैं उसके जो फाइबर होते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे रोब बा, बास्केट्स मेट्रेसेस एंड ब्रूम भी और यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो प्लेजेंट रहता है और यहाँ लोग जो है क्रिसमस फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं So, students, thank you very much.